दोस्तों आज एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इंडिया वर्ल्ड का तीसरा कंट्री बन चुका है 5G पूरे अपने एरिया में रोल आउट करने के लिए। इस तरह कुछ न्यूज निकल के आ रही है, तो पहला और दूसरा में कौन होगा कमेंट में जरूर बताइए। पता है तो नहीं पता तो पहले का हम बता देते हैं, दूसरा एटलीस्ट बता दीजिए। तो पहला जो है साउथ कोरिया, ये जो है 5G जो है पूरा का पूरा अपना एरिया में फैलाया हुआ, इस तरह कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है इंडिया तीन नंबर पे आया तो चौथा में कौन आएगा कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। दो वीडियो डाल दिया मॉर्निंग में MIUI 15 के ऊपर, देख लीजिए कब रोल आउट होगा, एंड ऑफ लिस्ट और किसके किस में अर्ली एक्सेस वगैरह है और डिवाइस लिस्ट सबको बताया हूं, जाके देख लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल के भैया आपके घर में CCTV है, 85% लोगों ने कहा कि नहीं है क्योंकि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनके घर में खुद सिक्योरिटी एनी टाइम रहता है। कौन है ये लोग? 15% लोग ऐसे हैं जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है और जो यूज करते हैं। आप यूज करते हैं कि नहीं कमेंट में जरूर। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में मैसेज को पिन कर सकते हैं, मतलब मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं कौन है ये लोग, तो उसको आप पिन करके रख सकते हैं। जब भी व्हाट्सएप में पिन वाला में करेंगे तो मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं नजर आ जाएगा। बात करते हैं MOVOS 4.0, ये जो है ओला की तरफ से आने वाला इनका OS, जो ऐसा बताया जा रहा है कि ये लॉन्च होने वाला है 7 अक्टूबर को। सारे ही मतलब जो ओला की स्कूटी है उसमें आ जाएंगे जिसमें सपोर्ट करता है उसमें, इस तरह कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। चलिए बात करते हैं इंस्टाग्राम की। बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा आप स्टोरी को शेयर, हमें भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगली खबर जो आ रही है आईफोन के ऊपर से, ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन का जो 15 है उसको मतलब 15 सीरीज है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीकर जो है फटा हुआ नजर आ रहा है। खत्म, मतलब को मेरे बाबू ने थाना खाया कि नहीं उधर से बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बाबू ने हक्कू किया कि नहीं ऐसा सुनाई दे रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। एम आसिफ का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि Redmi Note 10 Pro में MIUI 15 का अपडेट आएगा कि नहीं आएगा और कब तक आएगा। देखिए अपडेट है मार्च अप्रैल तक आ जाएगा और इसमें आएगा बस यही वाला लास्ट, उसके बाद नहीं आएगा। तरी कुछ अपडेट है, लेना चाहेंगे आप Redmi Note 10 Pro आज के टाइम में कमेंट में। चलिए बात करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है अमेजोन के तरफ से और फ्लिपकार्ट के तरफ से। अभी बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा है जैसा आप लोगों को पता है, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अमेजोन जो है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल का नाम यूज कर रहा है। अबे साले, तभी मेरा मतलब आप सेल में अगर आप अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल लिखेंगे या अमेजोन सेल लिखेंगे तो बिग बिलियन डे सेल सबसे ऊपर में आएगा जिसमें अमेजोन का लोगो वगैरह होगा। तो फ्लिपकार्ट का ऐसा कहना है कि भैया ये जो है हमारा नाम को यूज करके अपना प्रमोशन कर रहा है, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। बस वहां पर क्लिक करके देखिएगा वो अमेजोन में लेके जाता है या फ्लिपकार्ट में, चेक करिए और कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं Xiaomi की। बहुत सारी खबर है और इंटरेस्टिंग खबर है। Xiaomi जो है क्या कर रहा है, फोन अगर नहीं मतलब लेना चाह रहा है फ्लैगशिप और पैसे नहीं है तो ये डिजिटल लोन दे रहा है आपको कि भैया पैसे ले लीजिए और फोन ले लीजिए, पहला चीज। दूसरा जो है इनका जो बैंड 8 है वो ऐसा बताया जा रहा है कि अली एक्सप्रेस में मिल रहा है इंडिया में 2499 रुपए इसकी प्राइस है, लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। वहीं बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus जो फोन है उसका कैमरा सैंपल निकल के आया है जो आप देख सकते हैं, और नाइट में अगर ऐसा फोटो क्लिक करेगा तो वाकई में कैमरा जो है नेक्स्ट लेवल का होगा। आप में से कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं कमेंट में। वही बात करते हैं Redmi Note 13 की, तो इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आ गया है 5,88,000। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है कमेंट। चलिए बात करते हैं आखिरी न्यूज की Xiaomi की, हमारा तो चलते रहेगा। बात करते हैं Xiaomi का 13, 13T, 12T, ये 3-4 फोन ऐसे हैं जिसमें एंड्रॉयड 14 का अपडेट आ चुका है अर्ली एक्सेस के लिए, तो जाइए अपडेट करिए और मॉर्निंग वाला वीडियो को देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीज बताए। चलिए बात करते हैं अब सैमसंग की। तीन खबर है जो जबरदस्त है, वैसे तो चार है, चौथा ही बता देंगे। लेकिन बात करते हैं सैमसंग का S24 सीरीज टाइटेनियम बिल्ड के साथ आएगा एप्पल के जैसा। इतना जल्दी कॉपी क्यों मारना, लेकिन मार रहा है ये लोग। खैर बात करते हैं इसमें जो प्रोसेसर आने वाला है एक्सोनॉस का 2400 है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि प्रीवियस जनरेशन से 17% ज़्यादा फास्टर है, 70% ज़्यादा फास्टर है ऐसा बताया जा रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो One UI 6.0 हो उसमें एक नया तरह का इस बार टेक्स्ट देखने को मिलेगा जो
एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा ऐसा बोल रहा है। आप देखिए क्या क्या करेगा टेक्स वगैरह। लेकिन बात करते हैं सैमसंग का A15, ये जो फोन है हीलियो का G85 प्रोसेसर के साथ गीगबेंच पे लिस्ट हो गया, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रखते हैं इस फोन के लिए कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं वीवो की, दो जबरदस्त खबर आ रही है। पहला जो है इनका फंटोच OS 14 लॉन्च हो गया है, जिसमें आईकू में और वीवो में किसमें आने वाले है लिस्ट दे रहे हैं। वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए, एक एक करके बताएंगे तो 10 मिनट का वीडियो बनेगा। वहीं बात करते हैं वीवो का X100 जो फोन आने वाला है, ये वाईफाई का है, मतलब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। SOS सिस्टम होगा, मतलब आप फोन वगैरह लेके बाबू ने थाना था कि नहीं जा रहे हैं, और एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो बाबू को ये पता चल जाएगा कि आपकी लग गई। तो ऐसा कुछ फंक्शन के साथ ही आने वाला, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं ओप्पो की, ओप्पो की तरफ से दो जबरदस्त खबर है। पहला है ओप्पो का A18 अंडर 10,000 9,999 में 64 GB के साथ लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलता है हीलियो का G85 का प्रोसेसर, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5,000 mAh की बैटरी, 90Hz का डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और फोन काफी जबरदस्त लग रहा है जो आप देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं 12 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है ओप्पो का Find N3 Flip, और ये जो है कोई ट्रेन में जा रहा था भैया फोन यूज करते करते और हमारी नजर पड़ गई, तो हमने आपको फोटो दे दिया। आपको ये फोटो कैसा लगा कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं OnePlus की, OnePlus का Pad Go लॉन्च हो चुका है भैया, 21,000 रुपए इसके प्राइस है। बात करते हैं इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले 10 इंच का जबरदस्त LCD वाला डिस्प्ले है 90Hz के साथ, 8 का रियर, 8 का सेल्फी, 8,000 mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग। 21,000 में और क्या ले रहा है भैया, बच्चों की जान लेगा, तो इस तरह का कुछ है। वहीं बात करते हैं आप पिक्सल का 9 सीरीज, 9 और 9A आने वाला है भैया 6.7 इंच का डिस्प्ले के साथ, मतलब बड़ा डिस्प्ले होगा। ये लोग क्यों कर रहे ऐसा, कॉम्पैक्ट के नाम से जाना जाता था ये फोन, और बड़ा डिस्प्ले देगा तो क्या क्या आप पकड़ेंगे एक ही हाथ में, समझ रहे हो, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं बात करते हैं वेयर ओएस 4.0 रोल आउट हो चुका है एंड्रॉइड 14 के जैसा, तो जाइए अगर आपके स्मार्ट वॉच में सपोर्ट करता है तो देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहा है। चलिए बात करते हैं लास्ट यूज की, नथिंग की। ऐसा बताया जा रहा है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है नथिंग, जो देखने में कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा तरंगी लग रहा है। इसका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि येल्लो डॉलर हो जाएगा, और हम अपने जिंदगी में नहीं चाहते कि ग्रीन से येल्लो हो, ऐसे ही कम माल मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, और ये भी येल्लो हो गया तो हम क्या करेंगे, इसीलिए नाम लीजिए और बताइए किसको किसको ये चीज पसंद है कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो सबसे पहले ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में Honor 90 जो है 26,999 मिल रहा, जाके ले सकते हैं। वहीं अगला प्रोडक्ट जो है भैया, ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन के 15 सीरीज जितने भी है उसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो जाके देख लीजिए। अब ये भी मिल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह पे। वहीं इनका आईपैड जो है नया वाला वो मिल रहा है 42,000 में, तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।